बीमारी को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल की जनता के पैसों की लूट। पंजाब सरकार ने निभाया अपना वादा, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए सर्कुलर जारी। अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल और राजभर को जवाब पत्र जारी कर कहा जहां सम्मान मिला मिल जाए वहां चले जाए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, अखिलेश को पिछड़े वर्ग के नेता के बढ़ते कद बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस का बड़ा आरोप, स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध लाइसेंस से चलाती है बार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बाद में थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के ग्राम तुर्कीपुर में मामूली विवाद को लेकर सगे चाचा ने अपनी भतीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतिका गुलाबशा की उसके चाचा से कहा सुनी हो गई थी। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये ग्राम तुर्कीपुर में एक गुलाबशा हैं ये जी। इनका इनको गोली मार दी है इनके सगे चाचा ने जी जी। गंभीर हालत में इनको हॉस्पिटल भेजा गया है और चूंकि ये सगे चाचा हैं और तमंचे से गोली मारी है, मार के कहीं भाग गए हैं, तो उसको प्रयास किया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी हो सके। घटना के पीछे क्या कारण है इसका हम पता लगाएंगे। प्रथम दृष्टया ये जानकारी हो रही है कि गुलाबशा की शादी कहीं तय थी और ये चाचा नहीं चाहते थे कि वहाँ पे शादी। खबर आगरा से है जहाँ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य आजम खान की तारीफ करते हुए नजर आए। बता दें केशव मौर्य फिलहाल बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि सपा में अगर सम्मान मिलेगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आदरणीय आजम साहब से जब मुलाकात होगी तो मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, वो भी राजनीतिक शख्सियत है, तो राजनीति की ही बातें हुई। बहुत देर तक हम लोग बैठे और कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में और बहुत खुश भी थे, साथ में खाना खिलाए, बहुत प्यार दिए, बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताया। हाँ, मुख्य मुद्दा ये था, वो ये जानना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में महान दल किस तरह आया और क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से गठबंधन टूटा और मुझे गठबंधन से अलग होना पड़ा। मैंने एक एक छोटी भी डिटेल उन्हें दी क्योंकि उन्होंने समय खूब दिया मुझे, मेरे साथ घंटों बैठे और उन्हें सब कुछ मैंने बताया। खबर फर्रुखाबाद से है जहां ट्रांसपोर्टर के घर से चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया, जिसके बाद उस मामले की जानकारी होते ही अपर पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले में छानबीन शुरू की। ग्राम कन्हैया मोरास में ये सलेन सिंह जी हैं, के यहाँ पे चोरों ने घर के अंदर घुसकर कुछ चोरी की है। परिवार के सदस्य चूँकि काफ़ी बड़ा घर है तो अन्य कमरों में एसी के अंदर सो रहे थे। जो मुख्य कमरा है जहाँ से ज़्यादा सामान गया है वो मदर का है और उनके गहने और पैसे जाना। शाहजहांपुर में थाना कांड, पुलिस ने सीढ़ी गैंग के साथ डकैतों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने डकैतों के पास से मुगल काल और विदेश के 113 सिक्के बरामद किए हैं। डकैतों की योजना बना रहे शातिर डकैतों से लाखों के गहने, अवैध असलाह और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पकड़े गए इन शातिर डकैतों का डकैती और चोरी के क्षेत्र में लंबा आपराधिक इतिहास भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए सभी शातिर डकैत को जेल भेज दिया। एसओजी शाहजहांपुर और थाना कांट की एक संयुक्त कार्रवाई ने सीढ़ी गैंग के 7 सदस्य उनके सरगना सहित अरेस्ट किए गए कल और उनके कब्जे से आला नकब बरामद हुआ है और 3 घटनाओं से संबंधित माल बरामद हुआ है, जिसमें मुगलकालीन और करीब 100 साल पुराने ब्रिटिश पीरियड के 113 सिक्के हैं
जो हाल ही में इन्होंने एक प्रोफेसर के यहाँ से चोरी की थी, और इसके अलावा चांदी के आभूषण हैं और यूटेंसिल्स हैं, एक LED टेलीविज़न है और मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इनके साथ साथ इनके कब्जे से 3 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। इनकी मूवमेंट रही है तो उसके आधार पर इनसे पूछताछ की जा रही है और संबंधित जनपदों से और प्रदेशों से संपर्क भी किया जा रहा है। इन सभी सदस्य जो अपराधी हैं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कांड में संकट धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम मैदानी। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव रोहिड़ा सिंहपुर में एक ग्रामीण युवक ने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। वहीं मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उक्त युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस घटना के बाद गाँव में तनावपूर्ण माहौल है, साथ ही पूरे गाँव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। सुभाष सनोप कन्हैयालाल गांव का ही व्यक्ति है, गांव का ही है वो। मतलब इस मूर्तियों को तोड़फोड़ कर रहा था, तो बच्चों ने कहा कि मतलब भाई क्या कर रहा है, तो बच्चों को ईंट पत्थर लेकर रौंदा और फिर दीवार पार मतलब यहां से पुल पार करके निकल गया। थाना अकराबाद के गांव रोहिना सिंहपुर में गाँव के बाहर स्थित एक दुर्गा मंदिर में लगी कुछ मूर्तियों को गाँव के ही सुभाष सनोप कन्हैयालाल द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसको मौके पर ही गाँव वालों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। गांव वालों की तहरीर सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। हरदोई कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र में एक दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवती के साथ एक शख्स ने तमंचे की नोक पर रेप किया है, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर महिला ने अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह से मिलकर अपनी आपबीती बताई और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 6 बजे लकड़ी लेने गए थे अपने खेत को, वहाँ पर गौरव पहले से मौजूद था, फिर बाद में मेरे पास आया, हमने बोला यहाँ से चले जाओ। उसने मेरे गले पे तमंचा रख दिया, मेरे मुंह में रुमाल कर दिया, फिर बाद में हमें झाड़ी में पकड़ के ले गया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। इसमें प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है और प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज को इसको प्रेषित कर दिया गया है, बता भी दिया गया है। इसमें अभी जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ के नगर पंचायत बेसवा में आवास योजना में धांधलीबाजी करते हुए कर्मचारियों ने योजना के नाम पर खूब बंदरबांट की, जिसको लेकर अधिकारियों ने कर्मचारी को भी सस्पेंड कर दिया। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त रूप से अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में ये पूरी तरह निःशुल्क है, कोई भी गलत व्यक्ति आपके घर पर मोबाइल पर मैसेज से या कॉल करके कोई पैसा मांगता है तो उसको 112 नंबर डायल करें और पुलिस को ऐसे व्यक्ति को सौंप दें। ये सर नगर पंचायत बेसवा में तो प्रमोद नाम का व्यक्ति है, वो सबसे पैसे लेता है और कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं देंगे आप लोग तो मैं आपका आवास नहीं आने दूंगा। देखिए ये जो प्रमोद है ये कंसल्टेंट संस्था का कोई व्यक्ति सर्वेयर हो सकता है और जैसा आपने अभी बताया है तो इस व्यक्ति को आज हम इसी आरोप में इसको उससे हटा रहे हैं काम से। हाँ एक ये प्रमोद नाम का व्यक्ति है, ये अपना आपको डूडा कर्मचारी बताता है। वो आया मेरे पास मुझसे इसके लिए 2.5 लाख रुपए लाने के लिए पैसे मांगे, तो कहता है कि जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे मैं पूरे तुम्हारे 2.5 लाख रुपए नहीं आने दूंगा। कितने पैसे मांगे आपसे? 25,000 रुपये। फिर क्या कह दिया? मैंने दिए नहीं, वो उसने मेरे पैसे नहीं आने दिए, वो कह रहा मैं तेरे 170 से ज्यादा आने नहीं दूंगा। फरीदाबाद में एक मशाला व्यापारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दरअसल मशाला व्यापारी उधार दिए सामान के पैसे मांगे थे, लेकिन आरोपी नशे में था और पैसे मांगने पर उसकी अविनाश से कहा सुनी हो गई, जिससे गुस्साए आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जाँच कर रही है। नहीं उसकी दुकान है, उसका लेन देन था उधारीधारी का, तो वो गया था लेने वहाँ पे, तो उसने मेरे से बोला था कि रात को कि वो दिन में तो मिलता नहीं है तो चलते हैं उसके पास पैसे लेने। मैंने कि ऐसा है कि मैं भी चल रहा हूँ साथ में, तो वो कुछ दूरी पे गया था, वो मतलब उसके पास गया जैसे उससे पैसे से मांगी, तो मेरे ख्याल से उसने दारू वारू ड्रिंकिंग कर रहा क्योंकि नशे में था वो, तो उसने एकदम में चाकू निकाल लिया, उसके ऊपर हावी हो गया वो। आज रात करीब 2 बजे के आसपास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई एक का मर्डर हुआ है, तो तुरंत पुलिस वहाँ पे गई और मौके पे मैंने भी खुद विजिट किया था, तो वहाँ जाके पता किया तो एक अविनाश स्वरूप बंटी जो पहले मसाले का काम करता था अब वो ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। तो आज के जो मर्डर का कारण मेन कारण क्या रहा?
मेन कारण उसने शराब पी हुई थी और कुछ पैसे का लेन देन था, उस वजह से ये मर्डर हुआ है। कानपुर में साउथ जोन के नौबस्ता थाना क्षेत्र के दबंगों ने मिलकर पहले तो सोशल मीडिया पर लाइव आकर युवक के साथ गाली गलौज की, उसके बाद बीच चौराहे पर युवक को दौड़ा दौड़ाकर लोहे की रॉड बेल्टों से पीटा, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे मौजूद लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में जल आपूर्ति करने वाली पानी की टंकी हादसे को न्योता देती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर पंचायत बेसवा से भी की गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। नगर पंचायत की तरफ से न ही की गई उसकी कोई मरम्मत कराई गई और न ही पानी की टंकी को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। जर्जर टंकी ये किसी दिन दुर्घटना का शिकार करेगी, कम से कम यहाँ पे मेन रोड है 20 फुट पे, यहाँ से वहाँ तक भी जाएगी तब भी कम से कम स्कूल के बच्चे वगैरह निकलते हैं, इधर दगरा है ये गांव के लिए, नयावास के लिए, यहाँ के छात्र छात्राएं निकलती हैं, किसी दिन हादसा हो सकता है बड़ा। हर पंचायत से बोलते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे हैं, आए दिन कभी सिड्डी गिरती है, कभी कुछ गिरता है, कभी एंगल गिरती है, कोई पता नहीं किस टाइम पर क्या होगा। गोरखपुर आईएएस अधिकारी सीडी आवास पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ा, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया। एसपी सिटी किशन बिश्नोई ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी के आवास पर नमाज पढ़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, इस बाबत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। जनपद गोरखपुर के सीडीओ श्री संजय कुमार मीणा, उनके आवास के बाहर कल शाम के समय एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके घर के बाहर नमाज पढ़ी जा रही थी। उस नमाज को एक पब्लिक में रास्ते चलते हुए व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसने वीडियो बनाया, कि क्या उस व्यक्ति को जानते हैं। और वो व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि दवा कराने के लिए शहर में आया था, वो गोरखपुर का बिलोंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी से प्रयास किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है और उसका पता लगा के फिर उसके खिलाफ नमाज अदा करने का उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के यूसुफपुर हमीद गांव में कल सुबह खेत पर काम करने गई महिला का खेत में शव पड़ा मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। आज प्रातः कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम यूसुफपुर के जंगल में गन्ने के खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ। 54 वर्षीय इस महिला की पहचान ग्राम समला यूसुफपुर निवासी के रूप में हुई। मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट नहीं दिख रहा है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुकदमा कोतवाली नगर में धारा 302 201 IPC के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग जिलाधिकारी नेहा जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ITI कॉलेज के छात्रों से मनमानी फीस वसूलने की शिकायत करने पहुंचे थे। इस पर जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई न होने पर कार्यकर्ताओं ने खुद वीडियो बनाते हुए जिलाधिकारी पर ITI कॉलेज से मोटी रकम लेने का आरोप लगाया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जो जिला अध्यक्ष हैं वो अभी थोड़ी देर में मुझसे मुलाकात करने आ रहे हैं। तो कल जो लोग आए थे उन्होंने अपने आप को कथित तौर पे बताया था कि वो विश्व हिंदू परिषद के हैं, परंतु इसकी मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। परंतु जो भी व्यक्ति आया था, क्योंकि जनसुनवाई में हम बैठे थे तो उन्होंने हमें 4 एप्लीकेशंस दिए, तो 3 एप्लीकेशंस में सुनवाई करने के बाद 4th एप्लीकेशन वो थी, उन्होंने किसी ITI में कोई भ्रष्टाचार की एक शिकायत करी थी। इस प्रकरण में भी जो ITI में अधिक पैसे लेने की बात करें उस पर हम लोग पृथक तौर से जांच करा रहे हैं। जनपद अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर इन दिनों न्यूड वीडियो के बाद ठगी करने के मामले में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। वही फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो कॉल की जाती है, उसके बाद वीडियो कॉल के तुरंत उठते ही दूसरी ओर से लड़की आपत्तिजनक हालत में दिखती है। वही पूरे मामले में थाना साइबर इंचार्ज परिक्षेत्र ने विस्तृत जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल या मित्रता रिक्वेस्ट स्वीकार न करने की अपील की है। इस तरीके के साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा लिखा हुआ है 8/21 जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है 4 आदमी अरेस्ट करके जेल भेज दिए हैं।
उसमें जो व्यक्ति में हमारा उसने करीब 3.5 लाख रुपए दे चुका था जो है। चारों आदमी जेल गए हैं, हाईकोर्ट से सबकी बेल हुई है, 2 हमारे पास कंप्लेंट है जिनकी हम जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।